Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. गाइस एक और नई वीडियो के साथ, वीडियो पूरा देखना। बात करेंगे यो हनी सिंह फीचरिंग मिलन गावा का जो सॉन्ग है उसके तक ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। मिलन गावा ने जो है वो ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया है कि हमारा गाना बहुत ही जल्दी आने वाला है। वही बात करी जाए तो कुछ मतलब आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कुछ चैनल पर जो है वो ऑडियो को जो है वो लीक करने की कोशिश करी जा रही है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आप लोग सब कुछ मतलब आपको सभी कुछ मतलब अभी देखने को मिल जाएगा तो गाने का जो मतलब एक्साइटमेंट लेवल है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। वैसे अगर इस बात करी जाए तो इस गाने को जो है एक तरीके से जैसे इसकी जो म्यूजिक जो है वो लिरिक्स सामने निकल कर आ रही है, ये एक आप लोग एक तरीके से कह सकते हो जो रिक्रिएशन है वैसा हमें सॉन्ग लग रहा है, क्योंकि एक तरीके से हमें इसकी जो लाइन्स निकल कर सामने आ रही है वो ये कहती है कि ये गाना जो है वो रिक्रिएट किया गया है हनी सिंह और मिलिंद गावा के तौर पर। जी हाँ गाइस, वही मिलिंद गावा ने क्या अनाउंसमेंट करी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। उन्होंने लिखा, बोल दूं दुनिया को, यानी कि UGXMG यानी कि उस्ताद जी एस मिलन गावा आ रहे हैं, यानी कि आप लोग एक तरीके से कह सकते हो आपको अनाउंसमेंट जो है वो ऑफिशियल के तौर पर देखने को मिल चुकी है। यानी कि उन्होंने जो है वो मिलन गावा ने ये भी लिखा कि म्यूजिक MG और योयो हनी सिंह यानी कि योयो हनी सिंह उनके उस्ताद जी आ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि गाना जो है वो हमें अगले महीने देखने को मिल सकता है, यानी कि एक तरीके से जो है उन्होंने अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। वैसे ये सॉन्ग एक तरीके से रिक्रिएशन, जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ा सा इसमें जो लाइन्स है वो किसी और सॉन्ग्स की जो है वो यूज करी जाएंगी यानी कि रिक्रिएट करी जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। यूट्यूब का एकमात्र चैनल जो आपको रेगुलर अपडेट देता है। सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर वीडियो।